मुझे पता है, मैंने ये वाला वीडियो बहुत ही ज्यादा टाइम से लटका के रखा था। 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, बट आखिरकार तुम्हें ये वीडियो देखने को मिल रहा है। अरे हाँ, ये एक थ्योरी वीडियो है, तो चेहरे पे थोड़ी खुशियाँ लाओ। और हमेशा की तरह ये थ्योरी वीडियो है तो लाइक एम भी होगा। पिछले वाले पे मैंने 1.5 के लाइक रखा था, जिसे तुम सब ने 24 घंटे के अंदर कंप्लीट करवा दिया। इस बार इसमें डबल रखने वाला 3K लाइक। मुझे तुम सब पे पूरा भरोसा है, तुम सब 3000 लाइक एम कंप्लीट करवा दोगे। तो आओ सीधे मुद्दे पे आते हैं और थ्योरी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लो, फ्लोरियन ट्रायंगल और सी बिहेमोथ्स में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब देखो, ये बिहेमोथ्स वाला जो प्रोनाउंसिएशन है मेरा बहुत ज्यादा खराब है, तो इसको लेके सीरियस मत होना कि भाई तूने गलत प्रोनाउंस कर दिया। खैर, जो कुछ भी हो, जैसा कि मैंने पहले बोला, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे मालूम है तुम सब क्या कहोगे, सी बिहेमोथ्स हमें स्काइपिया में देखने को मिला था, तो वही फ्लोरियन ट्रायंगल हमें थ्रिलर बार्क में देखने को मिला है। लेकिन मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में मेरे कहने का मतलब कुछ और है। जैसे भले ये जाइंट शैडोस हैं, बट एक का ओडा ने मिस्ट्री सॉल्व कर दिया है, तो वहीं दूसरे का मिस्ट्री सॉल्व नहीं किया है। अब देखो रीजन क्या है ना, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वन पीस को अंधों की तरह देखते हैं। 10-15 दिन में कंप्लीट करना होता, प्लस बहुत सारे लोगों ने, मतलब 30-40% लोग ना अब भी वन पीस कम्युनिटी में एग्जिस्ट करते हैं, जो लोग स्काइपिया आर्क को स्किप कर देते हैं, या फिर कह लो अच्छी तरह से देखते नहीं है, बस ऐसे चला के छोड़ देते हैं। अब इससे क्या होता है, बहुत सारे वन पीस के डिटेल्स जो है मिस हो जाते हैं। प्लस जब भी इस टाइप के शैडोज दिखा दो, उन लोगों को याद आता है, अबे ये तो मैंने स्काइपिया के स्टार्टिंग में देखा था, ये क्या है, इनका मिस्ट्री क्या है। मैं आज भी बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, बहुत सारे लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करते हैं और स्काइपिया वाले शैडोज की बात करते हैं। लेकिन भाई, ओडा ने इसका जवाब ऑलरेडी एनिमे और मांगा में दे रखा है। अब देखो, एनिमे का कौन सा एपिसोड था वो तो मुझे याद नहीं है, बट एनिमे में भी बता रखा है। बट बात करूं मांगा चैप्टर की, तो वो मुझे पता है। मांगा चैप्टर 299 को खोलना, उसके पेज नंबर 10, जहां पर मॉन्ट ब्लैक कहता है, अरे हाँ वही नोलन का आने वाला पीढ़ी। चलो मैं तुम्हें ये बात शॉर्ट में समझा देता हूँ। जब सूरज की रोशनी आसमान से आती है और स्काइपिया के लोग बादलों के ऊपर रहते हैं, तो जब सनलाइट उनसे टकराती है, तो ये जायंट शैडोज क्रिएट होते हैं। हाँ, तो ये सी बिहेमोथ्स वाला कोई मतलब लफड़ा नहीं है, ये जायंट शैडोस वगैरह ये कोई क्रीचर नहीं है, ये स्काइपिया के लोगों का ही शैडो है। तो एक तरह से ये वाला क्लियर हो गया। अब आते हैं फ्लोरियन ट्रायंगल पे। इसको लेके ओडा ने अभी तक कुछ भी रिवील नहीं किया है, एंड ये एक मिस्ट्री है। तो देखो, सबसे पहले हमें फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में पहली बार मांगा चैप्टर 442 में जानने को मिला था, प्लस 490 चैप्टर में हमें इनके जायंट शैडोज देखने को मिलते हैं। अब देखो इन सब चीजों की स्टार्टिंग कैसे होती है। एक बैरल पानी में बहता हुआ थाउजेंड सनी के पास आता है, 442 चैप्टर की मैं बात कर रहा हूँ, जिसे ये लोग उठा लेते हैं। अब उस बैरल में क्या लिखा होता है, अब उस बैरल में लिखा होता है सी गॉड हाउजन, मतलब समुद्र के भगवान का खजाना। अब अगर वन पीस इंडिया में बनती तो यहाँ पे नो डाउट भगवान का प्रसाद लिखा हुआ होता, बट ऐसा कुछ नहीं है। अब देखो, उसी चैप्टर में हमें आगे ये पता चलता है, कोई इस समुद्र में सुरक्षित यात्रा के लिए प्रार्थना कर रहा था, और इसी वजह से वो लोग सी गार्डियन गॉड्स को भेंट चढ़ाते हैं वो बैरल के थ्रू। अब देखो यार, एक चीज गौर करना, पूरे वन पीस में हमें अभी तक जितना भी दिखाया गया है, पूरे समुद्र को ले लो, अगर हम उसको गौर से देखे, तो इस जगह को अगर हम छोड़ देना, तो बाकी कहीं भी ऐसा बैरल, ऐसा भेंट हमें नहीं देखने को मिलता है। प्लस उस जगह पे जब वो लोग उस बैरल को खोलते हैं, उसके बाद वहां अचानक से तूफान आ जाता है। अब थाउजेंड सनी कोई नॉर्मल शिप तो है नहीं जो डूब जाएगी, फ्रैंकी के टेक्नोलॉजी की बदौलत वो सभी लोग बच जाते हैं। बट ठीक उसी के बाद फ्रैंकी हमें फ्लोरियन ट्रायंगल के बारे में बताता है, एक ऐसा अजीब सा समुंदर जहां सब कुछ लगभग डूब जाता है, जो अगर हम फ्रैंकी के हिसाब से देखे, तो ये समुंदर का एक ऐसा हिस्सा है जहां पे जो भी शिप जाता है वो लगभग डूब ही जाता है। अब बहुत सारे लोगों को एक बात नहीं पता होगा, जो हमारे एचिरो ओडा है, वो हमारे इस रियल वर्ल्ड से इंस्पायर होकर बहुत सारी चीजें ना वन पीस के वर्ल्ड में भी ऐड करते हैं, और ये फ्लोरियन ट्रायंगल भी रियल वर्ल्ड से लिया गया है। तुम सब लोगों ने बरमूडा ट्रायंगल का नाम जरूर सुना होगा। अब इस जगह को लेके हॉलीवुड में बहुत ज्यादा मूवीज भी बनी है, प्लस इसके बारे में तुम सब ने पढ़ा भी जरूर होगा। लेकिन अगर तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, तो मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। एक तरह से समझो, हमारे अर्थ के समुंदर भी एक ऐसी जगह है, वो भी ट्रायंगल शेप में, जहां अगर कोई भी शिप या एरोप्लेन जाता है, 99% उसका डूबना पक्का है। अब इस जगह को लेकर के ना लोग ऐसे ऐसे बातें करते हैं ना, क्या ही बोलूं। जैसे
से यहाँ टाइम ट्रेवल हो सकता है, कहीं दूसरी दुनिया में जाने का पोर्टल है, या फिर यहाँ एलियन का राज है, या फिर यहाँ एलियन का स्पेसशिप डूबा हुआ है, या फिर हो सकता है यहाँ पर कोई सी मॉन्स्टर है। और हाँ, इस बरमूडा ट्रायंगल के अंदर तूफान बहुत आता है। अब इस कॉन्सेप्ट को ओडा ने वन पीस में भी यूज किया है और इसी वजह से स्ट्रॉ हैट को तूफान का सामना करना पड़ता है। अब सवाल यहाँ ये उठता है, तो फिर ये लोग कौन है जो हमें मांगा चैप्टर 490 में देखने को मिलता है? वो भी बताता हूँ। तुम सबको एक और बात पता ही होगा, वन पीस एक ऐसा सीरीज है जहाँ पर तुम्हें बहुत सारे माइथोलॉजीज के रेफरेंसेस देखने को मिलेंगे। हाँ, वो बात अलग है कि काफी ज्यादा मात्रा में हमें चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी देखने को मिलता है, बट इंडियन माइथोलॉजी हिंदू माइथोलॉजी भी देखने को मिलता है। तो हाँ, तुम सही समझ रहे हो, जापान में एक स्टोरी एग्जिस्ट करती है और वहाँ इन जैसे क्रिएचर्स एग्जिस्ट करते हैं जिन्हें ओमीबोजू कहा जाता है, जो इन शिप्स को डुबाते थे उस स्टोरी में। तो बेसिकली ओडा ने यहाँ पे क्या किया है, बरमूडा ट्रायंगल से इंस्पायर होकर इसने बनाया फ्लोरियन ट्रायंगल और वहाँ पे क्या किया, ये जापानीज फोक स्टोरी से उन क्रिएचर्स को उठाया जिन्हें ओमीबोजू कहा जाता है और उनको इस ट्रायंगल में ऐड कर दिया। अब अगर ये मॉन्स्टर सच में एग्जिस्ट करते हैं वन पीस के वर्ल्ड में, तो ये अब तक के सबसे जायंट क्रिएचर्स होंगे, ये एक फैक्ट है। और एक बात, ये क्रिएचर्स अगर जिंदा हैं, तो सी किंग तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो लूफी को वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स के थ्रू इनकी बातें जरूर सुनाई देती। तो इस वजह से हो सकता है ये कोई अलग प्रजाति के क्रिएचर्स ही हों। और हाँ, इसमें से एक और चीज गौर करना, इन तीनों जो जायंट शैडोज थे उनमें से सिर्फ एक की ही आंख चमक रही थी। तो बस यही कहूंगा, कोई उल्टा सीधा चूतिया आप ना निकल जाए, जिसे हम सब मॉन्स्टर समझ रहे थे वो कुछ और ही निकला। खैर, जो भी हो, तुम्हें एक बात तो पता चल ही गया होगा, आखिर ये फ्लोरियन ट्रायंगल का सीन क्या है, ओडा ने कैसे क्रिएट किया। खैर, जो कुछ भी हो, ये तो था मेरा मानना। अब तुम सबका क्या मानना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलना। वीडियो पसंद आया तो लाइक मारो यार, और हाँ, हमारे 3000 लाइक का एम कंप्लीट करवा दो। प्लस अगर नहीं पसंद आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट बॉक्स में अपनी थ्योरी का ज्ञान दे सकते हो, तुमको क्या लगता है। पर हाँ, सेंस के साथ बताना, कोई सेंसलेस टॉपिक मत उठा के लेके आना। साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना यार। और हाँ, अगर तुम इस चैनल पे नए आ गए हो और आने वाले टाइम पे वन पीस के वीडियोस और भी ज्यादा हिंदी में देखना चाहते हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दो, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता रहेगा और मैं ऐसे वीडियोस बनाता रहूंगा। तो यार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बाय।